पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था कि चिकन मंगवाई थी, उसे कर लिया था डीफ्रोस्ट, और डीफ्रोस्ट करके जो है ना अभी उसे बस वॉश ही कर रही हूँ। ये चिकन जो है वो CHIC ब्रांड की है और ये अच्छी थी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इसी को दोबारा ट्राई किया जाए। और मुदब्बिर के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने जो है ना जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड थी उतनी ली मैंने चिकन, और उसके साथ ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। डैडी एंड मुदब्बिर, ओके ओके, मैं भी आके और साथ साथ चल रही है बच्चों की बातें, और जो है मुदब्बिर जो है काम कर रहे थे तो वो कर रहे थे। इतनी देर के अंदर मैंने जो है ब्रेड को फ्लैट किया और उसके अंदर जो है पहले पिक कर दिया। पिक करने के बाद कोई टोमेटो सॉस वगैरह कुछ ऐड नहीं किया मुदब्बिर के लिए, सिर्फ और सिर्फ केचप को ऐड किया गया, वो भी स्मॉल अमाउंट के अंदर। और उसके साथ ही जो मैंने जो है चिकन जो है वो पूरी कर ली थी तो उसको जो है किचन को चिकन को जो है ना अच्छे से स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद जो है मैंने इस पर ऐड की अनियन, इसके साथ है टोमेटोस, और मुदब्बिर को कैप्सिकम बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो ऐड नहीं की गई है, और मेरे पास इस वक्त मौजूद थे बॉयल्ड कॉर्न्स भी तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। और साथ में जो है मुझे मोज़रेला चीज़ जो है यहाँ मिल जाती है तो मैंने बस उसकी स्ट्रिप्स कट की थी। स्ट्रिप्स करने के बाद जो है उसको भी उसके ऊपर जो है ना स्प्रेड कर दिया था, और जो है ना ओवन कर लिया तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है, और थोड़ा सा ज़्यादा जो क्या कहते हैं बेक किया हुआ होता है ये, तो मतलब मुदब्बिर इसको थोड़ा इजीली खा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट बेकिंग।